इसमें एलोवेरा और मेथी का मिक्स है, जो आप देखेंगे मैं कैसे लगाती हूँ। हाय, तो आज की वीडियो है इसके ऊपर, लाइक कुछ बेसिक थिंग्स, लाइक मैंने बनाया बेसन और मेथी और क्या कहते हैं एलोवेरा, तीनों का मिक्स है। ये तीनों को मिक्स करके आपने, एक ऐसा है ऐसा मिक्स करना, आपने इन तीनों को मिक्स करके आपने, अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा चाहिए लाइक थोड़ा सा रोज वाटर, मैं बाहर का प्रेफर नहीं करती, लाइक मुझे पसंद है घर का ही, आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। मेथी को मैंने पानी में तो ये रहा रोज वाटर, लाइक मैंने बनाया, देखो घर का ये, मुझे घर का रोज वाटर बहुत पसंद है, मैं बाहर से प्रेफर नहीं करती। मेथी को पानी में भिगो के रख देना है। एलोवेरा ओरिजिनल लेना है, उसको क्या कहते हैं नेचुरल आप लेके, तो जो पौधे का होता है ना, लाइक ये रहा पौधे का, इसको आपने पीसना है, पीस के आपने क्या कहते हैं चेहरे पे लगाना है। थोड़ा सोपी होगा अच्छा है, चेहरे पे लगाने के बाद जिसकी बहुत ज़्यादा रफ स्किन है, बहुत ज़्यादा रफ स्किन उनके लिए अच्छा है, लाइक पिंपल्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा असर करता है, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है ये। तो आप ऐसा लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं चेहरे के लिए, गले के लिए, हाथ के लिए, पैर के लिए, पूरे बदन के लिए, ये बहुत अच्छा नुस्खा है। लाइक आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपको कुछ कमेंट पूछना है लाइक, हाँ आप क्या यूज़ करते हो स्किन के लिए, लाइक कुछ भी पूछना है आप हो सकते हैं। आपने इसको ऐसे लगा के छोड़ देना है, मैंने ज़्यादा ही लिया है क्योंकि मैं पूरे बदन के लिए यूज़ करती हूँ, आपने ऐसे लगा के इसको छोड़ देना है एक हाफ वन आवर, ओके 10 मिनट के लिए नहीं, एक हाफ वन आवर रखेंगे ना बहुत अच्छा असर होता है इसका। थोड़ा सा जलन होगा, जिसकी स्किन खराब है थोड़ी जलन होगी, लेकिन असर बहुत अच्छा होगा इसका। यूज करके देखिएगा जरूर, और जरूर बताइएगा कैसा था सबको, असर कैसा लगा। ओके ये तो मैंने हिंदी में बोल दिया, इन तमिल இது ஆக்சுவலி வெந்தயம் இது தண்ணியில் ஊற வச்சிருக்கு, ஊற வச்சுட்டு 2 நாள் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இதில் அலோவேரா கத்தாழை, ரைட் தமிழில் சரியாக தெரியாது சாரி, கத்தாழை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அடித்து அதுக்கப்புறம் கடலை மாவு போட்டு, ரோஸ் வாட்டர் வீட்லேயே பண்ணியிருக்கேன், ஸோ இதை வந்து மிக்ஸப் பண்ணி நான் வந்து ஃபேஸ் பேக்கில் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துதான் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், இதோட எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும், ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ரேஷஸாக இருக்குது லைக் ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்குது அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக இதோட எஃபெக்ட் சூப்பராக இருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் தமிழில் அந்த அளவுக்கு கிளியாரிட்டி இல்லை, ஓகே ஃபைன், இது புரிஞ்சது சாரி, தமிழில் தப்பாக பேசுனேன்னா சாரி, ஹிந்தி எனக்கு பக்காவாக தெரியும், தமிழ் கொஞ்சம் கஷ்டம் எனக்கு சாரி, ஓகேவா, தேங்க்யூ. इसको लगाने के बाद मैंने वॉश कर लिया तो मेरा स्किन ऐसा दिख रहा है, सॉफ्ट हो गया है काफ़ी, तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, लाइक ओके फाइन, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ तो ये मुझे बहुत पसंद है, तो आप मुझे इस वीडियो के बाद में देख के लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा मैंने तमिल कैसे बात किया, वो भी बताना, क्योंकि मुझे खुद तमिल सही से आती नहीं है, मैं थोड़ा तमिल में भी, मैं एक्चुअली बेसिक तमिलनाडु की हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ लेकिन तमिल में थोड़ी वीक हूँ, तो मुझे पक्का बताना कि मैंने कैसा वीडियो बनाया, मुझे कमेंट देना और सब्सक्राइब और हिट लाइक ज़रूर देना प्लीज़, थैंक यू सो मच।